welcome dear students uh, in this very important video lecture series uh, today we will discuss about with the uh, installation of php on uh, various platform like windows and linux okay so today specifically we discuss about with the windows platform because most of the students can have uh, microsoft windows uh, uh, operating system so uh, we are discussing with the windows operating system and how php can install on windows okay सो so, सबसे पहले एक चीज़ जो है वो हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसके लिए हमको डॉट फाइल लगती है ठीक है so, सो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हम लोगों को लगने वाली है सो so, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारे पास में रहती है वो विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है ठीक है जैसे कि आ, अगर आप लोग देख पा रहे हो कि आ, कोई भी इंस्टॉलेशन करने से पहले आप लोगों को एक बात समझ लेनी है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहेंगी वो सब चीज़ें ठीक है so, सो आपके पास में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है वेदर इट इज़ लिनक्स और यूनिक्स उसके ऊपर डिपेंड रहेगा ठीक है जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि आ, आ, पी एच एक ओपन सोर्स साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सो so, दैट्स वाई हम लोगों को जो है आ, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होंगी जिसके ऊपर हम लोग जो है वो पीएचपी के प्रोग्राम्स कर पाए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द सेवेंटी परसेंट या फिर एटी परसेंट जो कंप्यूटर सिस्टम्स रहते हैं या फिर लैपटॉप्स रहते हैं उनके ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं ठीक है सो पी एच पी का जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों के पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर बंडल्ड या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस सॉफ्टवेयर फ्रीली डाउनलोडेबल अवेलेबल रहते हैं ठीक है सो so, अगर आपके पास में आ, आप लोग विंडोज़ के लिए स्पेसिफिकली करना चाहते हो तो आपके पास में एक वैम्प सॉफ्टवेयर स्टैक आप लोगों को लगेगा सॉफ्टवेयर बंडल आप लोगों को लगेगा अगर आपके पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोगों को लैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर बंडल लगेगा जो कि फ्रीली डाउनलोडेबल है अवेलेबल है नेट पर ठीक है और अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म चाहते हो डेट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लिनक्स एंड विंडोज़ सो so, आप आपके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जैम्प जैम्प एक्स स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है एक्स स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म ठीक है तो ए एम पी का मतलब रहता है कि अपाचे ठीक है माएस क्यूएल एंड पी एच पी ठीक है तो वैम्प अगर आप देखते हो वैम्प वैम्प सॉफ्टवेयर बंडल अगर आप यूज करना चाहते हो ठीक है तो डब्ल्यू स्टैंड फॉर विंडोज दैट इज नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देन ए एम पी ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा ए स्टैंड फॉर अपाचे अपाची एक वेब सर्वर है ठीक है माएस क्यूएल एक डेटा बेस है और एक पी एच पी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सो so, विंडोज़ के लिए अगर आप स्पेसिफिकली यूज करना चाहते हो तो वैम अगर आप लिनक्स के लिए यूज करना चाहते हो तो लिनक्स डेट इज लिनक्स अपाचे माएस क्यूएल एंड पी एच पी ये चारों चीजें आप लोगों को लगने वाली है बेसिकली तो सबसे पहले आप लोगों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेंगी वेदर इट इज लिनक्स और विंडोज उसके बाद में आप लोगों को एक सर्वर लगेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि पी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो आप लोगों को एक सर्वर लगेगा क्योंकि पी के प्रोग्राम जो है वो सर्वर साइड पे ही एग्जीक्यूट होते हैं तो अपाचे नाम का एक वेब सर्वर आप लोगों को लगेगा विच इज़ अगेन एन ओपन सोर्स देन माई एस डेटाबेस आप लोगों को लगेगा कोई भी अगर आप अप्लीकेशन बनाते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक डेटाबेस चाहिए होगा तो माए एसक्यूएल इज अ ओपन सोर्स डेटाबेस लेकिन अभी आप लोगों को रिसेंटली बताऊँगा कि ओरेकल ने या फिर जावा ने उसको टेक ओवर किया लेकिन फिर भी अभी हम लोग माया या फिर मोंगो डीबी कोई भी एक ओपन सोर्स डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं तो फिलहाल हम लोग यूज़ करेंगे माई ठीक है और पी जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पी तो हमको सिलेबस में ही पढ़ना है तो पी के लिए इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर बंडल लगेगा सो बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं जैम विच इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स एंड विंडोज़ दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं जैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर स्टैक या फिर सॉफ्टवेयर बंडल ठीक है तो नेट पर वो फ्रीली डाउनलोडेबल है अवेलेबल है आपके पास में ठीक है तो आप लोग उसको यूज करना कर सकते हो ठीक है ओके तो ये देखिए आप मेरे पास में वैम्प सर्वर भी है ठीक है और मेरे पास में एक जैम्प सर्वर का भी सेटअप है ठीक है तो देखिए ऐसा कुछ तो भी उसका सेटअप एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं आप विंडोज थर्टी टू अगर आपको लोगों के पास में थर्टी टू बट ऑप्रेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तो ये इंस्टॉलेशन आप लोगों को रन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में सिक्सटी फोर बीट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ सिक्सटी फोर बट पे चलने वाला मुझको सॉफ्टवेयर बंडल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है तो उसको अभी मैं कर देता हूँ इंस्टॉल ठीक है इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का एक जैम्प का सेटअप फाइल जो है वो अभी इंस्टॉलेशन चालू है ठीक है मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ उसके बाद में इसको अगेन नेक्स्ट देखिए सी कोलन पे आपको जैप नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके ठीक है क्योंकि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम सी पे है तो वो सी पे अपने आप वो जैम्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर में भी जहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी वो जैम्प नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो देखिए आप लोग यहाँ पे अगर आ, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सी नाम के ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पी के प्रोग्राम्स किए हुए हैं तो सी नाम का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट था मेरे कंप्यूटर सिस्टम में तो वो इसलिए वो एरर दे रहा था या तो इसलिए मैंने उसको डी कोलन पे सैम नाम का फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने जो सी नाम सी की जगह पे यहाँ पे डी कोलन कर दिया है ठीक है तो आपका जो ड्राइव रहेगा वो मैंने चेंज कर दिया है ठीक है इसको नेक्स्ट कर देता हूँ इसको और बार एक बार नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल एंड अनपैकिंग फाइल्स ऐसे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू है ठीक तो है तो देखिए अभी इंस्टॉलेशन उसका शुरू है ठीक है मैंने मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे पीएचपी के प्रोग्राम्स किए हुए थे ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में सी कोलन पे जैम्पैम का फोल्डर एग्जिस्ट था इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो एरर दे रहा था इसलिए मैंने उसका जो ड्राइव है वो चेंज कर दिया था मैंने सी की जगह पे डी ड्राइव पे अभी नया जैम्प फोल्डर इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक है तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है अगर आप लोगों के सी कोलन पे कोई जैम्प नाम का फोल्डर नहीं रहेगा तो वो आपको एरर नहीं देगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी वो इंस्टॉलेशन करना चाहता है उसको आप करने दीजिए अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो तो आप लोग उसका ड्राइव भी चेंज कर सकते हो मैंने मजबूरन उसको वो ड्राइव को चेंज कर दिया था क्योंकि मेरे सी कोलन पे ऑलरेडी जैम्प नाम का फोल्डर था ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने जहाँ पे सी कोलन पे जैम्प नाम का फोल्डर जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन वो चाहता है वहाँ पर आप उसको इंस्टॉलेशन कर दे कर कर सकते हो या फिर अगर आप ड्राइव चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है ठीक है तो अभी भी उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन चालू है ठीक है अनपैकिंग फाइल्स हाँ तो दोस्तों यहाँ पे उसका अभी कंप्लीट हो गया है जैम का सेटअप ठीक है कंप्लीटिंग द जैम सेटअप वीजा ठीक है अभी वो पूछ रहा है कि आपको जैम का कंट्रोल पैनल शुरू करना है कि ठीक है तो अभी हम उसको डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ हम उसको स्टार्ट कर देंगे जैसे मैं फ़िनिश पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो फिनिश हो जाएगा यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है अब देखिए दोस्तों मेरे सामने जैम का कंट्रोल पैनल आ गया है उसका वर्जन भी वो दिखा रहा है ठीक है जैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके सामने एक जैम का कंट्रोल पैनल आ जाएगा अदरवाइज आप प्रोग्राम में जाके भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है इसको मैं भी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ ठीक है ओके तो अगर आप लोग तो को जैम का कंट्रोल पैनल ओपन करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो उसके लिए एक अल्टरनेट वे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये तो समझ में आ गया कि जब इंस्टॉलेशन होगा तो अपने आप वो एक बार ओपन हो जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट बार जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करें और वो ओपन होना चाहिए तो देखिए मैंने डी कोलन पे मैंने मेरा जैम्प का इंस्टॉलेशन किया था जैसे कि आप लोगों को पता था ठीक है तो डी कोलन पे मेरे एक जैम्प नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया ठीक है मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लीकेशन में जैम कंट्रोल करके एक आईकॉन मिल जाएगा ऐसा ठीक है जैसे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे सामने फिर से कंट्रोल पैनल आ गया ठीक है तो देखिए अभी आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को ये यहाँ पे जो आपको मॉड्यूल दिख रहे हैं जैसे कि अपाचे मायास्क्यूअल फाइलजिला जिला मरक्यूरी टॉम कैट तो इसमें से हम लोगों को फिलहाल अपाचे की जो सर्विस है इसको स्टार्ट करना है देखिए अपाचे की सर्विस इसको मेरे को स्टार्ट करना है ठीक है ये देखिए अब यहाँ पर उसकी सर्विस यहाँ पे पोर्ट नंबर आ गए ठीक है यहाँ पे उसको स्टार्ट करना है अब जब हम लोग डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे फिलहाल डेटाबेस के साथ में तो हमारा कुछ काम नहीं है लेकिन जब हम डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे तो हमारा डेटाबेस कौन सा है माया तो डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे तो हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम तो फिलहाल कर ही नहीं रहे लेकिन जब कनेक्टिविटी करेंगे तो इसकी भी सर्विसेज हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो इसको मैं अभी कर देता हूँ मिनिमाइज ओके ओके okay, तो अभी आप लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट कर दिए तो अभी आप लोगों का कंप्यूटर पीएचपी के प्रोग्राम के लिए रेडी हो गया है ठीक है आपने अपाचे की सर्विस स्टार्ट की है मीनस आप लोगों ने सर्वर स्टार्ट कर दिया है आपके कंप्यूटर सिस्टम में ओके सो तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ठीक है अब देखिए पीएचपी का प्रोग्राम है तो उसमें मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप लोगों को एच का जावा का सी का इसके सभी कोड आप लोगों को PHP के प्रोग्राम से मिल जाएंगे ठीक है क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो बेसिकली आप लोगों को HTML, CSS, एम सी एस एस जावा स्क्रिप्ट के भी कोड इसमें मिल जाएंगे तो ठीक है एक सिंपल पी एच पी वाला प्रोग्राम जो कि हम लोगों को एग्जीक्यूट करके देखना है ठीक है तो एक देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम डॉक टाइप एच टी एम एल एस टी एम एल बॉडी एच टू में मैंने एच टी एच टी एम एल का आउटपुट लिखा हुआ है ठीक है ये ये जो एच टू में आप लोगों को दिस इज द एच टी एम एल आउटपुट ये एच टी एम एल का आउटपुट रहेगा और ये यहाँ पे जो छोटा सा कोड आप लोगों को दिख रहा है ठीक है पीएचपी के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ऐसे यूज करना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन मार्क ठीक है ग्रेटर देन का साइन और क्वेश्चन मार्क ठीक है पीएचपी ठीक है और यहाँ पे आप लोगों को क्लोज करने के लिए ऐसा एक साइन क्वेश्चन मार्क एंड देन लेस देन का साइन ठीक है ये आ, देख लीजिए एक बार और कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ठीक है लेस देन का साइन देन क्वेश्चन मार्क पी एच पी एंड देन आप लोगों को ऐसा सिंबल यूज करना है क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन वाला साइन तो ये आप लोगों को ऐसे यूज करना है ठीक है ओके समझ में आ गया आप लोगों को तो इस तरह से आप लोगों को उसको यूज करना है ठीक है लेस देन वाला साइन देन क्वेश्चन मार्क देन पी एच पी ये आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा पी एच पी और यहाँ पे स्पेस नहीं होना ठीक है और पी एच पी का कोड जो कुछ को भी आपको टाइप करना है ठीक है जैसे इको नाम का कमांड आप लोगों को पता है कि आप लोग लिनक्स में इको नाम की कमांड की मदद मतलब से आउटपुट शो करते थे ठीक है तो जो मुझको चाहिए एज इट इज़ वो यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया डबल कोड के अंदर और सेमी कोलन ठीक है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए और यहाँ पे क्वेश्चन uh, मार्क का साइन एंड इन ग्रेटर देन वाला साइन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले तो इस तरह से आप लोग जो पी के कोड एच के अंदर के या जा पी के कोड जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को पी के प्रोग्राम चाहिए वहाँ पे ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप लोगों के पी के कोड ठीक है यहाँ पे लेस देन का साइन देन क्वेश्चन मार्क पी स्टार्ट ठीक है और बाद में जब आप एंड करेंगे तो पी पी लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन वाला साइन ठीक है एक बार एक देख लीजिए उसको ओके okay, उसके बाद में बॉडी क्लोज एंड देन एस्टेम क्लोज अभी आप लोगों को क्या करना है ध्यान में रख रखिए जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो उसको यहाँ पे आप लोगों को सेव करना है ठीक है तो सेव करने के लिए आप लोगों को कहाँ पे सेव करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है आप लोगों ने आपके प्रोग्राम्स जो बनाने वाले ठीक है तो मैंने मेरे कंप्यूटर सिस्टम में डी कोलन पे मैंने इंस्टॉलेशन किया था तो सो मैं जाऊंगा सेव करने के लिए डी कोलन पे जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर और याद से आप लोगों को देखना है कि एच टी डॉक्स एच टी डॉक्स नाम का फोल्डर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा तो एच टी डॉक्स नाम के फोल्डर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे उसको सेव करना है ठीक है मैं उसको सेव कर देता हूँ फर्स्ट डॉट PHP ठीक है फर्स्ट डॉट पी एच पी और यहाँ से यहाँ पे आप लोगों को ऑल फाइल्स करना है ठीक है तो यहाँ पे ऑल फाइल्स करना है प्रोग्राम का नाम जो कोई भी प्रोग्राम उस नाम से आप सेव करना चाहते हो डॉट पीएचपी इसको मैं कर देता हूँ सेव ठीक है तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लिया है ठीक है तो अभी आप लोगों को क्या करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो कोई भी ब्राउजर रहेगा जैसे कि मैं मेरे इसमें गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं तो जो कोई भी ब्राउज़र रहेगा जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उसका आउटपुट जो है या फिर एच के कॉम्बिनेशन में सी के कॉम्बिनेशन में ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग उसका आउटपुट जो है वो वेब ब्राउजर पर देखते हैं तो वेब ब्राउजर अपने आपके कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करना है और उसके एड्रेस बार में जस्ट आप लोगों को टाइप करना है लोकल होस्ट ठीक है जैसे मैं लोकल होस्ट टाइप करूंगा और करूंगा एंटर तो मेरी सर्विस अगर स्टार्ट है यहाँ पे ठीक है ध्यान में रखिए अगर मेरी सर्विस यहाँ पे स्टार्ट है तो ये एग्जैम अपाचे एप्लीकेशन हाउ टू गाइड्स पी एच पी इन्फो वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी आपका वर्जन कौन सा है आप लोग कौन सी कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ठीक है ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी अगर मैं ये सर्विस को देखिए पी एच पी माई एडमिन में सॉरी एग्जाम कंट्रोल पैनल में अगर मैं इस सर्विस को बंद कर देता हूँ ठीक है बंद करने के बाद अगर मैं उसको फिर से लोकल होस टाइप करके एंटर करना चाहता हूँ तो देखिए क्या होगा द साइट कान बी रीच्ड ध्यान में रखिए अगर आप लोगों ने आपके जैम कंट्रोल पैनल में अगर सर्विस बंद कर दी है या फिर सर्विस स्टार्ट नहीं किए तो आपका सर्वर स्टार्ट नहीं होगा और आपके पीएचपी के प्रोग्राम्स आप लोगों को या फिर पीएचपी का सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तो आपके पीएचपी के प्रोग्राम जो है वो दिखेंगे नहीं आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा तो अगेन मैं इस सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ देखते हैं तो देखिए जैसे मैंने सर्विस स्टार्ट कर दिए आपका जैम नाम का जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा ठीक है जैम का आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है ये जो आप लोगों को डैशबोर्ड दिख रहा है इसको रिमूव कर देना है अब हम लोगों ने सिर्फ लोकल होस्ट ही टाइप किया था ठीक है लेकिन अभी यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश मैंने मेरे प्रोग्राम का नाम लिखा डॉट पी एच पी डॉट पी एच पी लोकल होस्ट स्लैश डॉट डैशबोर्ड हटा देना है आप लोगों को ठीक है उसके बाद में लोकल होस्ट स्लैश फर्स्ट डॉट पी एच पी और इसको कर देता हूँ मैं एंटर देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा देखिए दिस इज द एस टी एम एल आउटपुट एंड हेलो फर्स्ट पी एच पी देखिए मेरे प्रोग्राम को प्रोग्राम के कोड को आप लोग एक बार देख लीजिए ठीक है देखिए ये जो एच टू में जो दिस इज एस टी एल आउटपुट ये तो एस टी एम एल का बाई डिफॉल्ट आउटपुट है लेकिन हेलो फर्स्ट पी एच पी जो है ये पी एच पी का आउटपुट है ठीक है तो अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कर करूँगा तो सिर्फ एस का कोड ही आ जाएगा लेकिन अगर मैंने इसको सर्वर पर से स्टार्ट किया तो ही ये पी एच पी हेलो फर्स्ट पी एच पी आ जाएगा देखिए मैं उसको जब ये प्रोग्राम्स डी कोलन पर मैंने इसको रखा देखिए ये फर्स्ट ठीक है अगर मैं इसको यहाँ से ओपन विथ ब्राउज़र करता हूँ ओपन विथ तो देखते हैं क्या होता है तो देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम का कोड आ जाएगा ठीक है आपका प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है ये सर्वर पर से एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जैम्प नाम के कंट्रोल पैनल में मुझको सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी लोकल होस्ट स्लैश प्रोग्राम का नाम डॉट पी अगर लिखेंगे तो आपको आपका पी एच का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है तो ये इस तरह से आप लोगों के पी एच पी के प्रोग्राम्स बनाने हैं उसको एच टी डॉक्स नाम के फोल्डर के अंदर रखना है देखिए अभी एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं मैंने कहाँ पे रखे मेरे प्रोग्राम्स को मैंने डी कोलन पे इंस्टॉलेशन किया था डी कोलन के अंदर जैम्प फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स नाम का फोल्डर है वहाँ पे उसको आप लोगों को सेव करना है एच टी डॉक्स ये रहा मेरा फर्स्ट नाम का पी एच पी फाइल देखिए ऑल फाइल्स करना है सेव करते वक्त डॉट पी एच पी एक्सटेंशन के साथ में उसको सेव करना है ये फर्स्ट डॉट पी मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे उसका आउट को आउटपुट देखने को मिल रहा है ठीक है तो इस तरह से जो है आप लोग को प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है इंस्टॉलेशन के बाद में सर्विसेज स्टार्ट करनी है सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद नोट के ऊपर आपको प्रोग्राम्स लिखना है और प्रोग्राम्स लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है आप लोगों को इस तरह से ठीक है तो एस के कोडिंग के अंदर आप लोगों का जो पी पी का कोड रहेगा इस तरीके से ठीक है यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं एक बार और पी एच पी का कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो ये सिंपल प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है लेस देन वाला साइन देन क्वेश्चन मार्क देन पी एच पी स्टार्ट किया ठीक है उसके बाद में आप लोगों का स्टीमेट पी एच पी का कोड आप लोगों ने लिखा देन क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन वाला साइन इस तरह से आप लोगों को जो है आपके प्रोग्राम्स को जो है वो सेव करना है और एग्जीक्यूट करना है ठीक है तो इस तरह से आप लोग आपके प्रोग्राम जो है वो बना सकते हो आई होप कि आप लोगों को या ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी ठीक है तो इसका जो सेटअप फ़ाइल है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है कैसे प्रोवाइड करूंगा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग अगर चाहते हो तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूँगा ठीक है ये सेटअप फाइल आप लोगों को आपके कंप्यूटर सिस्टम पर रन करनी है अगर आप लोगों के पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको दूसरी फाइल लगेंगी विंडोज़ भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन अगर वो थर्टी टू बीट है कि तो आप लोगों को वो उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा तो अगर किस रीज़न की वजह से मैंने दी हुई सेटअप फाइल रन नहीं होती है तो आप लोग इंटरनेट पे भी जाके जैम सिक्सटी फोर बीट या फिर थर्टी टू बीट फ्री डाउनलोड ऐसा लिख के भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो इंस्टॉलेशन के बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच